बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें, आपको बताएं कि सऊदी अरब रियाज में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत साबिक वाइस चेयरमैन ओवरसीज आज़ाद कश्मीर असगर कुरैशी ने ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया। तकरीब में रियाज शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान असगर कुरैशी का कहना था कि ईद के पुरमसरत मौके पर मैं अपने आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और अपने लिए ये एजाज़ समझता हूं कि आप मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए। तकरीब के मेहमान एजाजी बबाए रियाज काजी इसाक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ईद के मौके पर सब दोस्तों को इकट्ठा करने पर मैं असगर कुरैशी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बेहतरीन तकरीर सजाई और प्रदेश में ईद को दोबारा कर दिया। दीगर मेहमानों ने भी अपना इजहार ख्याल किया और तमाम दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। कामुकी में एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए, सर्विस रोड अंडरपासेस पानी से भर गए और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। जबकि नवाई इलाका सालपुर में मकान की छत गिरने से 40 साल हनीफा बीबी, उसका बेटा 20 साल आदिल और बेटी 18 साल जांबाक हो गई। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुँच कर इमदाद मुहैया की। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमरा मंशियात फरोशों ने हस्ता बस्ता घर बर्बाद कर दिया। मंशियात फरोशों की दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई के दौरान दोनों पार्टियों के मसल्ला अफराद ने एक दूसरे पर 302 का मुकदमा डालने के लिए छत पर खड़ी बुजुर्ग खातून को गोलियों से छलनी कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रावलपिंडी से अपने ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है रत्ता अमरा, जहाँ पे मंशियात फरोशों ने हस्ता बस्ता घर बर्बाद कर दिया। दो ग्रुपों की आए रोज रोजाना लड़ाई झगड़ों की वजह से छत पे खड़ी खातून को फैले की इजाद में आकर जान भाग हो गई। इस हवाले से मजीद बात करते, आखिर क्या वाकया है? सर, ये कम से कम 8 बजे का टाइम था, ठीक है। मुझे मेरी अम्मी कहती है बाहर झगड़ा है, मैं बाहर झगड़ा देखने गया हूँ, ठीक है। दो मंशियात फरोश के ग्रुप थे, ठीक है, वो आपस में लड़ रहे थे। एक मेरे मामू के बेटे थे, सिकंदर नामी शख्स था, और एक उसका भाई असलान था, और दूसरे ग्रुप से कासिम अमीन था और जशान अमीन था। ये सर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे पर सही अनदन फायरिंग कर रहे थे। इन लोगों ने जान बूझ के, ठीक है, मेरी अम्मी की गैलरी में खड़ी थी, ठीक है, इन लोगों ने जान बूझ के फेर करके उसको गोलियों से नूझ के जान भाग कर दिया, ठीक है सर। और इनके खिलाफ अभी तक मुलजमान सारे भागे हुए हैं, ठीक है, कोई मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया, ठीक है। एक अरसलान इनका भाई पकड़ा गया। एक बात बताएं, इससे पहले भी क्या इनके ऊपर कोई ऐसी एफआईआर थी? जी जी सर, है थी। इनके इनसे पहले भी जो कासिम अमीन है और जशान अमीन है, ठीक है सर, इनसे पहले भी इन पर एफआईआर है, ठीक है। एक नैन्सी की एफआईआर है कासिम अमीन पर, और हमारी तरफ से भी एफआईआर है जो हमारा इनके साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो हमने इनको वसूला करके माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो अब ये दोबारा भी ये हुआ है। इससे पहले हमारे मामू के लोग जो है, मामू के बेटे हैं, जो सिकंदर नामी शख्स है, जो अरसलान नामी शख्स है, इनसे 5 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। सर, मैं इस चीज़ का खुद ही गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है। मेरी वालदा को इन दोनों ग्रुपों में से फायरिंग करके मारते हुए मैंने खुद देखा है, और मैं इस चीज़ के चमचीत गवाह हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि उनके बेटे का कहना है कि मेरी वालदा के साथ जुल्म हुआ है। उन्होंने अपील की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आईजी पंजाब से, मुझे इंसाफ दिया जाए, और यहाँ पे जो आए रोज़ मंशियात फरोश जो सरगर्म, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहाल अभी तक पुलिस ने हमारे मुजरम जो है नहीं पकड़े। कैमरा मैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 TV, रावलपिंडी। थारू शाह के नवाई गांव गुल मोहम्मद हरो का रिहायशी नौजवान समीन गुज़िश्ता रोज़ थारू शाह से पुरइसरार तौर पर लापता हो गया। तमाम नौजवान के लवाकिन ने नौजवान को अगवा करने का शक जाहिर किया है। राबता करने पर नौजवान के भाई अमीन ढोरो ने बताया कि भाई गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को घर का सामान लेने थारू शाह गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया। थारू शाह पुलिस भाई की गुमशुदगी के बारे में NC दर्ज नहीं कर रही। नौजवान के लवाकिन ने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीर आबाद से वाक़े का फौरी नोटिस लेने और बदमनी के खात्मे के लिए इसके बाइक की तलाश में मदद की दरख्वास्त की है।
अहमद पर शिरके के असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी का रेलवे चौक के साथ नए तामीर होने वाले पार्क का विजिट और शहर भर की स्ट्रीट लाइट का जायजा लिया और बल्ब जलते ही शहर रोशनियों से जगमगा उठा और अहमदपुर शिरके को ग्रीन एंड क्लीन बनाएंगे और शहर को सरसब्ज और शादाब बनाना हमारी अवलिन तरजीह है और शहर भर में सीवेज का गंदा पानी कहीं भी नजर नहीं आएगा। अवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। दहशत की अलामत समझा जाने वाला फरमाइश और मोछा डकैत गैंग गिरफ्तार हो गया। रोड रॉबरी और चोरी की 18 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ हुआ। लूटी की नकदी तकरीबन 2.5 लाख रुपए, तलाई जेवरात, 5 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन, कीमती सामान, कुल माली थी तकरीबन 8 लाख रुपए बरामद। मुजमान रोड पर असले के जोर पर चीना चपटी करते थे। गैंगस्टर फरमाइश और मोछा वगैरह और साथियों के खिलाफ चोर रॉबरी के दर्जन से ज्यादा वाकयात दर्ज हैं। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश सदर चूनिया के इलाके में 18 वारदातों का इंकशाफ किया है जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। स्वीडन में ईद उल अज़हा के मौके पर कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह चौक, जामे मस्जिद, मंडी, सादिक गंज में भी तमाम मजहबी और दीगर मकातबे फिक्र की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हमजा मुगल। अपने प्यारे अपील के सदके जितने भी गुस्ताखाने मुस्तफा हैं, जितने भी गुस्ताखाने पुराने हैं, उनको इसको दूर फरमाएं। सजावल में 6 दिनों से लापता सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस और ड्राइवर मंशियात समेत कराची पुलिस की जानिब से गिरफ्तार है। पुलिस ने ड्राइवर रशीद और शहजाद को एम्बुलेंस में मंशियात ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके 3 मुकदमे दर्ज कर दिए। इन पर चार्ज गुटका मटेरियल एम्बुलेंस में ले जाने के 3 अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल मैकमसिद की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए तहकीकती कमेटी तश्कील दी गई है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज़ खान जमाली ने कहा है कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। अवाम की ताकत और वोट से बलोचिस्तान का वज़ीर आला भी पीपी का जाला हो गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि जिस तरह सिंध के सलाम मुतासरीन के लिए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आवाज़ बुलंद की, विफाक से बलोचिस्तान के सलाम मुतासरीन के लिए भी फंड्स का कहा गया है। आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से काम शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि पाक अफवाज हमारी रेड लाइन है, पाक फौज की कुर्बानियां सब पर आया हैं, नाम निहाद लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए। की गाइडेंस के मुताबिक रहनुमाई के तहत इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे और जरदारी साहब ने वादा किया है कि जाला वजीर आला बलूचिस्तान का आएगा और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस दफ़ा हुकूमत बनाएगी अपने इत्तेहादियों के साथ। देखें ना, इलेक्शन हर को अपना लड़ेगा पार्टी के हिसाब से, उसके बाद फिर हम आपस में इत्तेफाक के राय से चीज़ें करेंगे। देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान के लिए भी किया है, सिर्फ ये है कि वर्ल्ड बैंक और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने तरीक़ेकार को तय करना है। बिलावल भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान के लिए जो फंडिंग है वो भी कराई है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती पर हर मुसलमान सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मेंबर अमन कमेटी जिला रावलपिंडी और खतीब जामे मस्जिद मक्की कहूटा कारी उस्मान उस्मानी और साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल हौथला राजा आमिर मजन ने एवन टीवी से खसूसी बातचीत की है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुरान करीम की बेहरमती पर हर मुसलमान सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मेंबर अमन कमेटी जिला रावलपिंडी व जामिया मस्जिद मक्की कहूटा के खतीब कारी उस्मान उस्मानी और साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल हौथला राजा आमिर मजन ने एवन टीवी से खसूसी बातचीत करते हुए मजमती एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा, मैं स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहरमती की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मेरा अपनी हुकूमत से मुतालबा है OIC और जैसे दूसरे फोरम पर से ऐसी कानून साजी करवाई जाए, पूरी दुनिया को कायल किया जाए, मुसलमा शख्सियात और किसी भी जो मजहब से ताल्लुक रखने वाली मुसलमा चीज़ें हैं उनकी बेहरमती के लिए आलमी तौर पर सजा का कानून पास किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म के घनौनी हरकत की रोकथाम हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती की गई है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये आलम इस्लाम से ये मुतालबा करता हूँ कि स्वीडन से अपने सफारती या बाकी ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए या उनसे ये पुरजोर मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई भी अमल ना हो।
DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हदायत पर SHO थाना सदर चूनिया आबिद मेबूचीना और इनकी टीम ने रोड रॉबरी की वारदातों में मतरूब बदनाम जमाना फरमाइश और मोचा डकैत गैंग के 3 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजमान चूनिया के नवाब में वारदात की नीयत से कांत लगाए बैठे थे। मुलजमान के इनकशाफ पर लूटी गई रकम तकरीबन 2.5 लाख रुपए, तलाई जेवरात, 5 अदद मोटरसाइकिल, 8 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद पिस्टल, मवाद गोलियां और दीगर कीमती अशिया बरामद कर लिया गया। मुलजमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और इस रोड पर असले के जोर पर बड़ी बड़ी वारदातें करते थे। SHO थाना सदर चूनिया आबिद मेमूचीना ने मीडिया से बात करते कहा है कि फरमाइश और मोचा डकैत गैंगस्टर के खिलाफ चोरी और राबरी के दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाके में 18 वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कोटद्दू में कस्बा गुजरात में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खादिन को मिलने वाली रकम रिटेलर 90 लाख लूटकर फैमिली समेत बैरून मुल्क फरार हो गया। गुलाब अली शाह नामी रिटेलर खादिन के अंगूठे लगवा कर रकम दूसरे दिन देने का वादा करता रहा। रिटेलर रातों रात घर छोड़कर फरार हो गया। खादिन गम से निडाल हैं। रिटेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेयरिंग का कहना है कि मुतअद्दिद बार असिस्टेंट डायरेक्टर को आगाह किया गया, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। शेयरिंग ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और DC मुजफ्फरगढ़ मुतालबा किया कि ऐसे रिटेलर्स के खिलाफ फिल फोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ फार्मा एसोसिएशन नवाबशाह और पाकिस्तान राय हक पार्टी नवाबशाह की जानब से नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह के सामने अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किया गया। इस मौके पर फार्मा एसोसिएशन नवाबशाह के सदर नबील भंगवार समेत दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की शदीद मजम्मत करते हैं। इस अमल से पूरी दुनिया के मुसलमानों और अहले किताब की दिल आजारी हुई। फार्मा एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मजीद कहा है कि हम स्वीडन की दवाओं का बायकॉट करते हैं और केमिस्ट एसोसिएशन से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी स्वीडन की दवाओं का बायकॉट करने के साथ साथ दवाओं का स्टॉक भी वापस कर दें। दादू में पब्लिक हेल्थ महकमा में मुबैया करोड़ों रुपए की करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहरीन टाइगर शबीर सुलंगी और दूसरों ने A1 TV से बात करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असकर खान मलास से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। यहाँ शहीद भुट्टो के पार्टी के कारकुन और रहनुमाओं ने यहाँ एहतजाज किया है पब्लिक हेल्थ दादू में मुबैया करोड़ों रुपये की करप्शन के खिलाफ, साफ पानी की फरहमी न होने के खिलाफ अभियान से पूछते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। आपने एहतियात किया है, क्या कहेंगे आप? सर हम ये मीडिया के सामने बार बार हम कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ में जितने भी करप्ट लोग हैं इनके ऊपर अवामी दौलत लूटने का जुर्म साबित हुआ है। ये जो अभी इंजीनियर आया है, दूसरे ज़िलों में इसके ऊपर बड़े चार्जेस हैं, बड़े केस चल रहे हैं करप्शन के। यहाँ जो अभी अभी एक दादू का बा सर SDO है अवेश जावच, उनने भी अभी अभी 18 करोड़ की गबन किया हुआ है, अवामी पैसा लूटा है। और जो ये सालों से 15-20 साल से तैनात है टेंडर क्लार्क, पहले तो जूनियर क्लार्क था, अभी सब कुछ करता धरता जो है उनकी है अख्तर जांडियो। हम कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करो और अवामी दौलत लूटने का केस दाखिल करके इनको जेल में डाला जाए और अवामी पैसा वापस किया जाए। नहीं तो हम PP शहीद भुट्टो के प्लेटफार्म से हम यह तारीख चला रहे हैं। हम इनके खिलाफ सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए हैं, आते रहेंगे, धरना देंगे। अभी भी 3 महीनों से जब ये अवेश जावच SDO बना है तो शहर का पानी बंद है, वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। और अरबे रुपयों की स्कीम आई हुई है वाटर सप्लाई करने वाली स्कीम, उसमें भी इसने गबन किया 65 करोड़ का पहले गबन किया था। और रोड रास्ते हमारे रास्ते जो हैं शहर के देहातों के, ये बना रहे हैं पब्लिक हेल्थ वाले, कुछ नहीं बनाया है। अभी इन्होंने जून का बहाना करके जून क्लोज होंगे, इन्होंने तो बड़ा माल हड़प किया है आवाम का। हम कई न्यायालय इदारों से अपील करते हैं कि ये इनसे पैसा वापस लिया जाए और जितने भी ये करप्ट लोग हैं इनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए। आपने एहतियात किया है, क्या कहेंगे? सर ये सिलसिला तो सालों से जारी है करप्शन का, पूरे मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन की हद है, लेकिन यहाँ हमारे पब्लिक हेल्थ में इतनी करप्शन है, इतनी बजट है कि ये लोग अगर अपनी ईमानदारी पे काम करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बजट ही काफ़ी है जो दादू के रोड वगैरह बन जाएंगे। लेकिन ये करप्शन जो है इनकी सालों से चल रही है। अभी ये इनके करते धरते जो लोग हैं
यही करप्शन करके यही लोगों को धोखा देते हैं। इन आला इदारों से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई इन लोगों को गुंजा दिया जाए और हमारे जो भी रोड्स हैं दादू के वो बनाए जाएं। अभी तो मौजूदा और अख्तर चांडियो है, दूसरा इंजीनियर नाल साहेब असलम डायरी है। ये बड़े जो है ना वो हम जाते हैं किसी काम के लिए तो वो मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो तमाम आला इदारों से हमारी ये दरख्वास्त है कि इन लोगों को बुंडा दिया जाए और इनको गिरफ्तार करके हमारे मसले हल किए जाएँ। बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम नैब को रिक्वेस्ट करते हैं, आला इदारों को रिक्वेस्ट करते हैं, जो ताकतवर इदारे हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो असलम डायरी इंजीनियर है ये सारे गरीबों का माल हड़प कर चुका है, और जो इसके साथ है अख्तर चांडिया और जो अवेश डावच, अभी तो हम इतने महरूम हो गए कि पीने के लिए पानी भी नहीं है, किसके पास जाएँ हम रात दिन पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं लेकिन पीने के लिए पानी भी नहीं रही कुछ कह रहे हैं। हम आला इदारों को गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे गुंडों बदमाश को रस्सा घींची में डाल के और इनको जेल कस्टडी किया जाए, जो आवाम का पानी छीन के बैठे। एक्सप्रेस जो 18 करोड़ है वो भी अवेश रावत खा चुका है, असलम डायरी इंजीनियर खा चुका है, और जो अख्तर चांडिया है वो तो अरबों खरबों की मिल्कियत बना चुका है। हम जहाँ भी जाते हैं उनके बोलते हैं भाई ये अख्तर चांडियों का फ्लैट है, ये खैरपुर में जो है फैक्ट्री ये अख्तर चांडियों की है। हम नहीं बनाते हैं क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, हम करप्शन नहीं खाते, जो करप्शन खाते हैं वही बनाते हैं। इसीलिए हम आला इदारों को गुजारिश करते हैं, शहबाज कॉलोनी है हमारी वाटर वाली गली है, उसका रोड आ चुका है, इनको मंजूर आ गया है, टेंडर आ गया है, मेरे नाम से आ गया है, मज़ार अली सोलंगी मेरे रोड जो दरवाजे तक है रोड मेरे नाम से टेंडर आ गया है, वो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, वो भी हमारा रोड खा गए हैं। इसीलिए हम आला इदारों को गुजारिश करते हैं कि ऐसे बदमाश गुंडों जो है जो हुकूमत ने इधर इधर पाल के रखे हैं उनको तैयार करके जेल कस्टडी किया जाए और इनके इंक्वायरी बिठाई जाए। आपने सुनी यहाँ इत्याद करने वाले कारकुनों शहीद भुट्टो के और रहनुमाओं की बातें, उनका मुतालबा है कि मुबीना जो भी करप्शन हुई है दादू पब्लिक हेल्थ में उसकी तहकीकात की जाए और मुलवित अफसरान और हेड क्लार्क और टेंडर क्लार्क को कानून के कटड़े में लाया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़ सब पे नज़र अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। मंजनाबाद में भी कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ जमातों के उलमाए इकराम, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और साफी बिरादरी ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं एम साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मंजनाबाद में भी आज कुरान पाक की बेहरमती पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। एहतजाजी रैलियाँ जो है वो लारी अड्डा मंजनाबाद पर इनका किया गया जिसके बाद मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मदनी चौक मंजना बाद में अख्ताम पजीर हुई हैं। मंचनाबाद में आज सियासी समाजी कारोबारी और यहाँ पर सहाफ़ी बरदरी की जानिब से जो है रैलियों का इनका किया गया है और यहाँ पर तहरीक लबाइक पाकिस्तान और जमीयत इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से जो है आज मुकम्मल रैलियों का इनका किया गया था जिसमें तमाम उलमा इकराम जो हैं वो इकट्ठे थे और इनका कहना था कि जहाँ कुरान पाक की बात आएगी, बेहरमती की बात आएगी, वहाँ मुसलमान एक हैं और यकजा हैं, और आज एक ही रैली का इनकाद किया गया था जिसके बाद रैलियों से खिताब भी किया गया। मुख्तलिफ उलमा इकराम की जानिब से जो है यहाँ पर खिताब किया गया जिसके इनका एक ही रद्द अमल था, एक ही इनका यहाँ पर अपील थी हुकूमत पाकिस्तान से, मुतालबा था कि स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर कारोबारी लेन देन ख़त्म किया जाए और स्वीडन हुकूमत के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। रैलियों का इनकाद किया गया है, सियासी समाजी शख्सियात भी थी जिस पर पीर सैयद अहमद शाह साहब बन्ना वाली सरकार, तहरीक लबाइक पाकिस्तान के टिकट होल्डर मियां राशिद महमूद वटू एडवोकेट ने रैलियों की सरपरस्ती भी की है और ख़िताब करते हुए इनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द इस सफ़ीर को यहां से निकाले और स्वीडन हुकूमत के साथ जो लेन देन है, इनके साथ जो कारोबार है और इनके जो एशिया खुर्दनोश हैं, इन तमाम चीज़ों का बाइकाट किया जाए। जी कराची में सर सैयद पुलिस ने शहरी की शिकायत पर CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई करते हुए बैटरी चोरी में मुलविस जीशान उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर तर्जमान सेंट्रल पुलिस ने बताया कि मुजरिम की तलाशी के दौरान चर्स भी बरामद हुई। गिरफ्तार मुजरिम ने सर सैयद की हदूद से दर्जनों कार और मोटरसाइकिल की बैटरियाँ चोरी करने का एतराफ़ किया। मुलजिम नशे का आदी है और नशा पूरा करने के लिए बैटरियाँ चोरी करता है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है।
हिंगोजा पुलिस स्टेशन के हदूद में गांव बनाव मोहम्मद मोरगन भुट्टो में कई रोज कबल अगवाशुदा बच्चे की बाजियाबी के लिए बच्चे के वालदैन और सियासी समाजी कौम प्रस्त कारकुनान की तरफ से शदीद भूख हड़ताल और एहतजाज पांचवें दिन तक जारी उसारी है। एहतजाजी कारकुनान में बिलखसूस नजीर और दीगर अफराद की जानब से कहा जा रहा है कि पुलिस इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम लाए अमल में ना ला सकी। अगर अभी पुलिस की जानब से कोई एक्शन ना लिया गया तो हम नेशनल हाईवे पर एहतजाज करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि थाना कमीर शरीफ में जनाब पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सब इंस्पेक्टर जवाहिद इकबाल की कार्रवाई से दो मनशियात फरोशों को धर लिया गया, जिनसे 7200 किलोग्राम चरस बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिबान फैसल शदाद की हदायत पर DSP सदर आसिफ भुट्टू की जेरे निगरानी SHO थाना कमीर सब इंस्पेक्टर काशिफ डोगर की टीम सब इंस्पेक्टर जवाहिद इकबाल ने कार्रवाई करते हुए दो मनशियात फरोश धर लिए। अब्दुल खालिक और सनी दूसरा सदर शाह, जो कि अरसद राह से मनशियात का मकरू कारोबार कर रहा था और हमेशा कानून की गिरफ्त से बच जाता था। मनशियात फरोश अब्दुल खालिक और सनी से 7200 किलो से ज्यादा चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। वारी के बरामद करके दोनों मनशियात फरोशों के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल का कहना था कि मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए नौजवान नसर के दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हम वक्त तैयार हूँ। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मनशियात फरोश नौजवान नसर को नशे की लत में मुबतला करके नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हैं और साहिबाल पुलिस ऐसा होने नहीं देगी। अपने कमांडर DPO साहिबाल की जेरे निगरानी हमेशा जरा पेशा नासिर के खिलाफ लड़ता रहूंगा और क्राइम कंट्रोल करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।